मंच पर हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज उपस्थित हैं और उन्हीं का प्रारंभिक उद्बोधन श्रवण करें पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। हमारी संन्यास परंपरा योगियों की, ऋषियों की, गुरुओं की परंपरा के गौरव पूज्य कार्ष्णी गुरु जी, जिनका हम सब संतों पर एक पितृतुल्य गुरुतुल्य आशीष है, और मुझ सहित हमारे परम श्रद्धे पूज्य वंदनीय पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी और हमारे सभी संतों के ऊपर उनका बहुत अनुग्रह है। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के साथ में हमारा लगभग 20 वर्ष पुराना एक आत्मीय संबंध है। जब हम हरिद्वार में पहुँचे ही थे और हमने इसे अपने योग और अध्यात्म की सेवा की यात्रा का प्रारंभ किया था, तभी हम मिले थे हरिद्वार में, और तब से अब तक वो आत्मीय प्रेम और बढ़ता रहा है। और जब से पूज्य महाराज श्री का आश्रय पाया है, तब से ऐसा लगता है कि जीवन में एक महापुरुष का आशीष हमारे शीश पर है, और जब किसी बड़े महापुरुष का आशीष हमारे शीश पर होता है तो फिर मानो गुरु के रूप में भगवान का आशीर्वाद हमारे सिर पर होता है। प्रभु जी तनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले बहुत प्यास है, आस है, विश्वास है, आप में भी तो है, आप भी गा रहे हैं। इसमें कोई लय स्वर मत देखो, ये तो अंतर का भाव है। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम चंद्र की जय। भारत माता की जय।
गौ माता की जय। हर हर महादेव। अध्यात्मम स्वभाव उच्यते। स्वभाव जो है वो हमारा वो मूल अध्यात्म है, तो ऐसा हम प्रयत्न करें कि हमारा स्वभाव आध्यात्मिक हो जाए, सात्विक हो जाए, हमारे स्वभाव में दिव्यता आ जाए। त्रिगुणात्मक है ये सृष्टि। देखो जो सुबह का समय है वो सात्विक है, मध्याह्न का जो समय होता है ये थोड़ा राजसिक होता है, और जो सायंकाल का समय होता है तमस प्रधान होता है। जिस आहार में स्निग्धता हो, मधुरता हो, सुपाच्य हो, आरोग्यवर्धक हो, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, ये सारे बैलेंस्ड हो, वो सात्विक आहार है। जिस आहार में तीक्ष्णता है, मिर्च हैं, मसाले हैं, जो खाने पीने से थोड़ा रोष उत्पन्न होता है वो राजसिक है, और जो बासी भोजन है, लहसुन प्याज आदि है, मांस मदिरा आदि है, ये तामसिक आहार कहलाता है। आहार भी तीन तरह का है, व्यवहार भी तीन तरह का है। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े अकर्मण्य होते हैं, प्रमाद में जीते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा प्रमादो मृत्यु हो अप्रमादो अमृत पदम। व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य। आलसी व्यक्ति को न जीवन में अभ्युदय सिद्ध होगा, न श्रेयस न निश्रेयस। अभ्युदय कहते हैं भौतिक उन्नति, समृद्धि, ऐश्वर्य, विभूति, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि, सफलता। जो आलसी व्यक्ति होता है उसको जीवन में अभ्युदय, भौतिक समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, पावर, सक्सेस, रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो जो आलसी व्यक्ति होगा उसका जीवन में अभ्युदय सिद्ध नहीं होगा, उसको भौतिक समृद्धि, मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी। पूरी दुनिया के दो भाग किए गए, एक भौतिकवाद, एक अध्यात्मवाद। भौतिक समृद्धि को हमारे यहां पर अभ्युदय कहा है और आध्यात्मिक उन्नति को निश्रेयस कहा है, और ये दोनों जीवन में जब संतुलित रूप से होती हैं इसी को धर्म कहा। मेरे साथ बोलिए, यतो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धिः सधर्मः। धर्म क्यों, तो कई परिभाषाएं की गई, धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। सबसे बड़ा धर्म तो यह है जो आपको प्रतिकूल प्रतीत होता है वो आप किसी के साथ ना करो। आपका कोई अपमान करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो कभी भी किसी का अनादर मत करो। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ
सता कभी किसी को न जाने कल को तेरा क्या हाल हो सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर प्रभु का तो नाम जप ले वही आसरा यहां पर प्रभु का तो नाम जप ले वही आसरा यहाँ सांसों का क्या भरोसा कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले इज्जत से नाम तेरा जाए हर जुबान पर इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान पर सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब नाम जप ले वही आसरा यहाँ पर प्रभु का तो नाम जप ले वही आसरा यहाँ पर सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या भरोसा हर सांस के साथ ये एहसास हो कि जो भी मुझे सांस मिल रही है जीवन मिल रहा है बुद्धि में सोचने का सामर्थ्य विचारने का सामर्थ्य निर्णय करने का सामर्थ्य सत असत को धर्माधर्म को साधन साध्य को परमात्मा आत्मा प्रकृति जीव जगत को जानने की जो समझ है ये भगवान ने दी है मस्तिष्क में ज्ञान बल विज्ञान बल बुद्धि बल कौशल हृदय में संवेदनाएं प्रेम करुणा वात्सल्य हाथों में कर्म करने की शक्ति सामर्थ्य जीवन में जो कुछ भी हमारे पास विभूति है ऐश्वर्य है उसका मूल स्रोत प्रभु ही है सबका कर्ता नियंता संघर्ता वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान सर्वव्यापक सर्व सर्वांतर्यामी मेरा परमात्मा है ऐसा भाव ऐसा चिंतन ऐसी भक्ति ऐसी निष्ठा ऐसा विश्वास निरंतर बना रहे यही तो भक्ति है यही भक्ति योग है और ये विवेक बना रहे यही ज्ञान योग है और ऐसा ही हम आचरण करते रहे कर्म योग है ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग कोई पृथक नहीं है ये तो माने जो यथार्थ बोध है वो हो गया समझ आ गई है ज्ञान और वो समझ के अनुसार हमारे हृदय में संवेदनाएं भक्ति पैदा हो गई विश्वास निष्ठा पैदा हो गई और वो अवचलित होनी चाहिए वो भक्ति योग है फिर वैसे हमारे जीवन में आचरण होने लगता है ये कर्म योग है तुम आपसे कह रहा था व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य क्या है सबसे बड़ा दोष आलसी होगे तो तुम्हारे खेत में खेती हो जाएगी क्या आलसी होगे तो तुम्हारे दुकानदार में बोहनी हो जाएगी क्या बिजनेस हो जाएगा छोटी दुकान से लेकर के बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्री धंधे कॉरपोरेट हाउस मैंने सब देखा है मैं जो कुछ कहता हूँ शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा ही है वो शास्त्र प्रमाण से तो सत्य है ही हमारे यहाँ फिर दूसरी बात कही जाती है आनुभूतिक सत्य क्या शब्द बोला मैंने आनुभूतिक सत्य वह हमारा अनुभव बन जाए जो अनुभव ऋषि मुनियों का था जो वेद हैं जो शास्त्र हैं जो धर्म ग्रंथ हैं जो आप्त पुरुषों के वचन हैं गुरुओं की जो वाणी है वो हमारा भी जब अनुभव बन जाती है तो उसको कहते हैं आनुभूतिक सत्य एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ मैंने तो देखा है बिना पुरुषार्थ के न किसान के जीवन में समृद्धि आएगी
न कृषि के क्षेत्र में तुम कुछ कर पाओगे। और ये जो ऋषित्व का मार्ग है, देवत्व का मार्ग है, इसमें तो बिना पुरुषार्थ के, बिना तप के तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तप पहला चरण है। मेरे साथ बोलो, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेशतरु करणार्थश्च अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणां अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। आपस में भी बात करते हम तो क्या कहते हैं, भाई क्यों क्लेश कर रहा है? हरियाणा में बोलते हैं, भाई क्यों क्लेश कर रहा है भाई? ये क्लेश, यद्यपि सब क्लेशों के मूल में और सारे जीवन के दुखों के मूल में अज्ञान है, अविद्या है। और ज्ञान की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही मुक्ति है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालिनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरणाधिगच्छति। ये ज्ञान हो जाए ना तो सारा काम अपने आप हो जाए। और ज्ञान होता है सदगुरु की शरण में आकर के। आप सब आत्माएं इतने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु समर्थ गुरु हम सबको मिले हैं। यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनादिकाल का हमारा कोई ऊंचा प्रारब्ध है, ऊंची किस्मत है, ऊंचा भाग्य है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में हमारे गुरु जी का नाम ही गुरुओं की शरण है। सब गुरुओं की, सब परंपराओं की, हमारी संस्कृति की, धर्म की, अध्यात्म की, भगवान की, सात्विकता की शरण। तो गुरु की शरणागति से एक पग भी इधर उधर ना होना। कोई एक भी सात्विक आलंबन मिल जाए ना जीवन में तो बस उसको छोड़ना मत। तप स्वाध्याय, रोज थोड़ा साथ में चिंतन करो, थोड़ा गीता का पाठ करते हो, नहीं समझ में आती है तो भी किया करो। न जाने किस जन्म में तो पढ़ी होगी। मैं तो हमेशा कहता हूं तुम किसी ना किसी जन्म में तो बड़े विद्वान विदुषी रहे होगे, किसी न किसी जन्म में राजा रानी महाराजा कुछ ना कुछ रहे होगे, किसी जन्म में तुम तपस्वी भी बड़े रहे होगे।
तुम सारे सत्य का दर्शन अपने अंदर किया करो। कभी अपने आप को दीन ही दुखी दरिद्र मत माना करो। तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर निधान करो, हर पल ये, हर क्षण ये विचार, जो कुछ मेरे पास है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन उसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह तन किसी का है दिया, वह मन किसी का है दिया, वह धन सब कुछ उसी का है। ऐसे भाव से जी, व्यक्तिगत जीवन में आलस्य मत रखना, तुम्हारा अभ्युदय सिद्ध होगा, तुम्हारा निश्चय सिद्ध होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको पुरुषार्थ चतुष्टय ही कहते हैं। जिसके जीवन में पुरुषार्थ नहीं होता, उस पुरुष का ही कोई अर्थ नहीं होता, और जहां अर्थ होता है वही सार्थकता होती है, जहां अर्थ होता है वही परमार्थ होता है। पुरुषार्थ एक क्षण के लिए भी हमारे जीवन में छूटे नहीं, इसलिए मैंने प्रभात में कहा था, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। मैंने तो बस जीवन में बस इन दो चीजों को अपनाया। आपके जीवन में पुरुषार्थ घटित हो, सब साधन में पुरुषार्थ करें। और एक ये तो व्यक्तिगत जीवन का दोष आलस्य, और सार्वजनिक जीवन का जो दोष है ना साहब, वह द्वेष। ये तो नीचे से ऊपर तक साहब इसमें सब सने पड़े हैं। कई बार तो साधु महात्माओं में भी द्वेष हो जाता है, आपस में जब कोई ऐसा वैर करे तो हम कहते हैं भाई साधु बने तो द्वेष तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। तो आज आप संकल्प लेके जाओ कि हम अपने जीवन में आलस्य, बोलो अपने जीवन में आलस्य नहीं करेंगे। सुबह उठने में आलस्य, योग करने में प्रमाद आलस्य, ध्यान भजन में आलस्य प्रमाद, सत्संग में भी आलस्य प्रमाद, सत्कर्म में, दान में, पुण्य में, सेवा में प्रमाद, किसी भी, ये प्रमाद बहुत बड़ा व्यापक है साहब। और आपस में द्वेष, देवरानी जेठानी सास बहु आपस में द्वेष, ना ना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिता पुत्र में भी द्वेष, गुरु शिष्य में भी, योस्मान दृष्टि यम वयम दुष्मस्तंभू जम्बे धर्म ओम सहनाओ तो सहनो भनोक्त सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावधि तमस्तुमा विद्विषा वही द्वेष। बस ये दो बात कह करके वापस सुबह वाली बात को दोहराता हूं। और अभी भी मैंने प्रारंभ में कहा था, अध्यात्मम स्वभाव उच्यते, किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम का मैंने प्रारंभ में जिक्र किया था। योग को आप सब अपना स्वभाव बना लो, स्वदेशी को अपना स्वभाव बना लो, गो सेवा को, यहाँ तो साधु सेवा काम हमारा, गुरु जी गाते, रोज गाते ना गुरु जी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, साधु सेवा धर्म दुनियादारी से, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हो चुके रमण बिहारी के। ये बाबा जी गुरु जी ने हमको सिखा दिया, हम तो ऐसे गुरुकुल के पढ़े
फिर हिमालय में जाकर के थोड़े योग साधना की, फिर सेवा साधना में लग गए। हमको सच में दुनियादारी अभी भी नहीं आती, बस हमको भगवान की भक्ति आती है, सेवा आती है। अब दुनियादारी में तो ऐसा भी होता है कि किसका आसन ऊंचा होगा, किसका नीचा होगा। अब यहाँ एक अच्छी बात है कि रमन रेती में सबका आसन बराबर का है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो आप इतने प्यारे भक्त हो और हमारे गुरुजी माय डियर तो इतने प्यारे हैं, उनके हम माय डियर है, वो हमारे माय डियर है, और उनका प्रेम का आकर्षण इतना है कि सारे देश के साधु संत महात्मा यहाँ खींचे चले आते हैं। और आप भक्त सुदूर प्रांतों से, अलग अलग शहरों से, गांव से यहाँ खींचे चले आते हैं, और जो सत्संग का रसपान करते हैं, ये जो कुछ आप यहाँ से सुनते हैं, ये आपके जीवन में घटित हो। संश्रुते न गमे महिमा श्रुते न विराधिसी श्रुति वाते, वेदोक्त मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर, शास्त्र के गुरुओं के बताए मार्ग पर हम आगे बढ़े। संश्रुते न गमे महिमा श्रुते न विराधिसी, फिर आगे कहा मई वास्तु मई श्रुतम, जो हमने सुना है वो हमारे जीवन में, आचरण में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में उतर जाए। बस इतना ही कह के अपनी बात को विराम देता हूँ, नहीं तो मैंने कहा आप इतने प्यारे हो, आपसे बात करते करते मन ही नहीं भरता है। आपके जीवन में सब प्रकार का सुख हो, स्वास्थ्य हो, सौभाग्य उतरे आपके जीवन में, सब प्रकार की सफलता हो, सब प्रकार की खुशियाँ हो, और जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद होता है वहाँ तो सब प्रकार का सौभाग्य अपने जीवन में ऐसे ही उतरने ही लगता है। तो ऐसे एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु का आशीष हमारे सबके शीश पर है, और ये आश्रय, ये सन्निधि, ये पावन निशा, उनकी करुणा, उनका अनुग्रह, उनकी रहमत कृपा ऐसे ही हम पर सब पर बनी रहे, ऐसे ही गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए, क्योंकि